अंबेडकर नगर आलापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा अमोला बुजुर्ग में दबंगई के बल पर विनोद कुमार नामक युवक ने एक खड़ंजे पर अवैध कब्जा कर दीवार बना लिया है तथा एक खड़ंजे पर उसके घर के आसपास चलने योग्य रास्ता नहीं है। इस मामले में श्याम दुलार ने वर्षों से शिकायत कर परेशान हो रहे हैं और कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। भूतपूर्व प्रधान ने फोन वार्ता पर खड़ंजे के निर्माण के बाद को स्वीकारा कि उनके कार्यकाल में खड़ंजा का निर्माण हुआ था तथा पीड़ित ने आरोप लगाया है कि लेखपाल ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत पर जांच के दौरान हमारा फर्जी हस्ताक्षर भी किया है। हम इस समय आलापुर तहसील के ग्राम सभा अमोला बुजुर्ग पहुंचे हैं, जहां पर एक पीड़ित का आरोप है कि यहां पर रास्ता था और विपक्षी ने अवरोध कर लिया है। आपका परिचय क्या है? श्याम दुलार, पुत्र नगई, ग्राम अमोला बुजुर्ग, तहसील थाना आलापुर है, जिला अंबेडकर नगर। श्याम दुलार जी, आप यह बताइए, रास्ता कब से था? रास्ता यहाँ काफ़ी दिन से, ये सन 2000 में लगा था और 10 में ये उखाड़ दिए हैं ज़बरदस्ती। ग्राम प्रधान को जब जब बुलाया गया, जबकि इस पर बार बार आदेश है, SDM साहब का आदेश है और क्या नाम, विधायक का आदेश है, खड़ंजा अवैध रूप से ना उखाड़ा जाए, उसके बाद भी ज़बरदस्ती पुलिस भी मना किया, कई बार विधायक भी मना किए, लेकिन ये प्रधान के उपस्थिति में 3 बार, मतलब मैं बुलाया जब खड़ंजा उखाड़ा गया, 3 बार प्रधान को बुला के लाया, उसके बाद भी 10 तारीख को 10/3 को ये खड़ंजा उखाड़ दिए, मेरे परिवार को मारे भी, मैं प्रधान को बुलाने गया, मेरे परिवार को पीटा गया, मैं थाने गया, 7 बजे तक थाने बैठा दिया गया और दिवाली जुड़वा के रास्ता बंद कर दी गई। फिर 10 साल से हम इधर से निकल रहे थे, इस कोलिया से। तो इस रास्ते के लिए आप एक दीवाल कब उठा है, कितना दिन हो गया? ये दीवाल मतलब 10/3 में उठा दिए थे, फिर दिवाली अभी गिर गई थी, ये हमारे घर के ऊपर गिर गई थी, हैंडपाइप टूट गया था, दीवार टूट गई, करकट हमारी टूट गई है, बाल्टी भी टूट गई, काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। उसके बाद भी हम बनने नहीं दे रहे थे, हमने कहा रास्ते क्लियर हो जाए उसके बाद फिर हम बनने देंगे। अच्छा, आप बताइए कि नवंबर में आपने तहसील दिवस पे एप्लीकेशन दिया? हाँ। कोई जांच करने आया था? जांच करने कोई साहब नहीं आया, लेकिन आज तक कोई जांच, लेकिन करने आया नहीं। जो जांच का पन्ना निकल रहा है उस पर आपका दस्तखत है? सिर्फ लेखपाल जी आए हैं, 2 बार प्रशासन द्वारा 2 बार रास्ता खुलवाई गई है। क्या लेखपाल ने आपको कहीं किसी पन्ने पर हस्ताक्षर कराया? नहीं, हस्ताक्षर तो हमसे नहीं करवाए। तो हस्ताक्षर कहाँ से आया? हस्ताक्षर हमसे नहीं करवाए, झूठी रिपोर्ट लगाए होंगे। सिर्फ वही है जो 4-6-10 लोगों की साइन करवाई गई, उसी पर हमारी साइन, और कहीं साइन नहीं है, अलग से साइन कहीं नहीं है, अलग से साइन कहीं नहीं। अर्थात कहा जाए तो लेखपाल ने आपका फर्जी हस्ताक्षर किया। फर्जी यही है, हमारी साइन मिला लीजिए, तमाम दरखास्त पर हमारी साइन पड़ी है, उसको मिला लीजिए। सिर्फ एक दिन वही साइन जब चाचा जी, आप अपने विपक्षी के को और कुछ कहना चाहते हैं, और आपको क्या परेशान कर रहा है? साहब, ये पानी जो है, ये छत पर से मतलब सारा पानी इधर भर जाता है, ये मोरी हमने बताया कि उधर कर लो, ये भी नहीं किए, ये नापदान किए, सारा 4:30 दिन को ये सारा 4 बजे ये पानी इतना भर देते हैं कि रास्ता बिल्कुल हमारा आना जाना। कहने के तौर पे आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, रास्ता इधर से भी उधर से, इधर से भी रास्ता नहीं देने रहे, इधर से भी देखिए, अधिकारी लोग ही गुंडे बना रहे हैं लोगों को। सर, अगर अगर अपने वक्त पे अगर काम करता तो आज ये नौबत नहीं आती, ये प्रशासन के चलते ही ऐसा है। इधर से देखिए, हम निकलते हैं, निकल रहे थे यहाँ से, ये सब बंद कर दिए थे एकदम, 5-5, 6-6 बार रास्ता ये खोला गया है, लेकिन बार बार बंद होता है। अभी भी प्रधान जी आए थे, देखिए इधर अभी भी प्रधान जी आए थे, पिलर डलवा के गए हैं, पिलर इधर लगा था, 7 फुट का हटाए, गांव के लोग आए थे, 7-8 लोग आए थे, उन्होंने फैसला किया 7 फुट पे रास्ता खुलवाने के लिए, इन्होंने भी माना, लेकिन अभी जबरदस्ती ये पेड़ जो है ना, तो ये काट रहे हैं ना तो काटने दे रहे हैं, मारपीट ऊपर से मना करते हैं, मारपीट के लिए रास्ता बंद है कहीं पे? नहीं, 7 फुट ये है, पहले ये बताइए ना, रास्ता बंद क्यों नहीं हटा रहे हो भाई? दिमाग खुद लगाइए, ये पेड़ क्यों नहीं हटा रहे? फरवरी में पूरी टीम आई थी, रास्ता बंद नहीं, लेकिन इनके कहने मतलब पेड़ रास्ते में है, तो पेड़ तो पहले लगा है, पहले के नहीं लगा, ये पुलिस वाले हटवाए थे, ये पुलिस वाले पेड़ हटवाए थे, कटवा के हटवाए थे, फिर वही ये गाड़ दिए, यहाँ से काट दिए, जड़ उसकी पड़ी है, ठीक है। हम इस समय आलापुर तहसील के ग्राम सभा अमोला बुजुर्ग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर रास्ते का प्रॉब्लम है। भाई साहब, आपका परिचय? सर, मेरा नाम मोनू है।
मोनू जी आप ये बताइए, रास्ता कब से यहाँ पर कचरा है? सर वो तो इसकी हालत देख के आप खुद गैस कर सकते हैं कितना दिन हो गया इसको, 10 साल से इस पे एक पूरा गांव परेशान है। लेकिन यहाँ तो ईंट दिख नहीं रहा नीचे। तो सर ईंट नहीं दिख रही तो उसकी हालत आप खुद, मैं तो आपसे बोल रहा 10 साल, लेकिन इससे ऊपर, क्योंकि 10 साल प्रधान की सत्ता को हो गया है, 10 साल प्रधान की सत्ता को होने वाला है और ये खत्म होने वाला। प्रधान को अगर कुछ बोलो तो वो देखने नहीं आता। इनके नलके का पानी देखिए यहाँ से कटता है सर, ये कटा देते हैं ठीक है। और अभी आप 2 दिन पहले आते थे यहाँ पूरा पानी भरा। खड़ंजा किसके प्रधान काल में लगा था सर? ये लगा हुआ था अशोक प्रधान के, अशोक यादव के। एक मिनट, चाची आप इस पर कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। हाँ, ये रास्ता कब से था? ये 20 साल से है रास्ता। और किस पे चलते और हुआ है? हाँ, हम लोन हमारा मकियाई ले जाए ले ना दूसरे द्वारे पर की जाए ले चाहे गाड़ी सुनी ले भैया, जब से बरसात होने तब पानी लगा ला हम लोन के लड़का चेहरे यहीं गिर गए हम का उदाई। इस पर आप लोग कहीं शिकायत किया का है ना? प्रधान किया प्रधान कुछ नहीं बोलते हैं? प्रधान का नंबर या के खाते में पैसा ना पास है, अच्छा आप लोग ये बताइए एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये नलका कहाँ पर पड़ेगा, रास्ते में कि दूसरे? हाँ, क्योंकि इस दीवार से देखा जाए तो आउट जा रहा है। हाँ बताइए। नलका जो है, हाँ ये मतलब खड़ंजी, पहले आपका परिचय क्या है, परिचय बताइए आप। ये हमारा घर है, मेरा नाम विजय कुमार है, ये मेरा नलका है ठीक। हाँ, और ये जो खड़ंजा लगा हुआ है यह बहुत पहले गड्ढा था ठीक है, और ये खड़ंजा जो है मतलब ये गड्ढे को जस्ट बैठ गया है, नलका बहुत पुराना इसलिए नलके से हट के खड़ंजा लगा हुआ है। क्या नलके के बाद खड़ंजा लगा है? एकदम लगा है, नीचे है सब खड़ंजा है नलके के बाद। अरे इसके खड़ंजा नीचे नहीं है, नलका बाद में डाला गया, खड़ंजा उखाड़ के फिर से गाड़ गए। चलो इन्हीं लोगों को मान लो, कुछ सिलाई लीजिए सर आप, उससे ऐसा सुने प्रधान जी से पूछे नलका खड़ंजे के बाद लगा है। अरे भाई छोड़ो छोड़ो, एक मिनट चाची, ये तो गार्जियन आदमी प्रधान बताएंगे कि खड़ंजा नलका के बाद लगा है। शांत रहो, खड़ंजा नलके के बाद लगा है कि नलके के बाद खड़ंजा लगा साहब? लेकिन दोबारा फिर से चिल्लाती हो, मैंने बतिया दो तो क्लियर होगा। अच्छा अभी मामला है कि एक खड़ंजा वैसे था, आपने अवरुद्ध किया है, गलत है मेरा मामला है वो सर। हमारी बात सुनिए। हाँ, कहानी को आप तो देखे तो है नहीं? हम देखे हैं नहीं। देखे नहीं है ना? नहीं। ये तो जिम्मेदार व्यक्ति से पूछिए, प्रधान से पूछिए। किस प्रधान से पूछे? जो प्रधान लगाया है, अशोक प्रधान से चलिए पूछिए। ठीक है, हम उनसे पूछ लेंगे या हम ब्लॉक से पूछ लेंगे। हाँ, ब्लॉक से पूछिए, सिक्योरिटी से पूछिए, लेखपाल से पूछिए, हम किसी से पूछ लेंगे। तो हमारा मतलब है, हम पूछ लेंगे उसको, पता करेंगे। लेकिन आप लोग ये बताए कि ऐसे रास्ता था एक नहीं उनके द्वारा? आप लोग बताइए यहाँ पर रास्ता था? भाई साहब गांव वाले आपके विपक्ष में सब लोग, क्या सबसे आप दुश्मनी है यहाँ खड़ंजा सब लोग बता रहे हैं? क्या कहें भाई, ये सब गोल बनाए हुए हैं, गोल बनाए हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जो रास्ता दिख रहा है उन नलका चलते रास्ता तो एकदम अवरुद्ध है, पानी सब वहाँ जा रहा है। खाली नहीं दिख रहा आपको? वहाँ पानी जम रहा है। नहीं आपको? अच्छा वो तो फंस गया है वहाँ पे, तो नलका ही कारण उसका बन रहा है। तो नलका उखड़वा दीजिए। हम क्यों उखड़वा दें? क्या नहीं उखड़वाएंगे, मीडिया वाले हैं ना, वो करिए। हम तो शो करेंगे भाई, हमारा काम है। आपकी कहानी